देखो अभी ये मोहतरमा इसको यूज कर रही थी आज से लगभग 30-40 साल पहले ये जो सेंट जेन सिटी है ना ये एक फिशरमैन विलेज हुआ करता था। इट्स एक्सपेंसिव। फोटो क्लिक हो गई। देखो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों मिल जाएंगे। 368 पियानो। ओह दिस इज पियानो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ सेंजेन। ग्वांगडोंग प्रोविंस है। ग्वांगडोंग प्रोविंस में एक सेंजेन जगह है। सेंजेन जगह का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। फेमस इसलिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हब है। सेंजेन जितने बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, सेंजेन में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और ये देखो अभी मैं मेरे हॉस्टल में निकला हूँ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे है मेरा हॉस्टल, इस वाली बिल्डिंग में। यहाँ पे हम लोगों ने दोपहर में खाना पीना खाया था। बहुत सारे लोगों के डीएम थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट भी भर भर के आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई सेंजेन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जरूर दिखाना। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं आप लोगों को सेंजेन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दिखाने लेके चल रहा हूँ। ये देखो यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज वगैरह कुछ ऐसी होती है, सारी की सारी स्कूटी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी। तो सबसे पहले तो सेंजेन की बात कर लेते हैं। बात यह है कि यहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है मेल के कंपैरिजन में। और आज से लगभग 30-40 साल पहले ये जो सेंजेन सिटी है ना ये एक फिशरमैन विलेज हुआ करता था। क्योंकि आप लोगों को पता है 30-40 साल पहले जो चाइना बिल्कुल भी डेवलप नहीं था, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। 30-40 साल पहले यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो था 63%। और आज यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 0.2% 0.3%। बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट में बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों भला बुरा कहते हैं चाइना को। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को, ठीक है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी बातें छोड़ दो, यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो बिल्कुल ही एट नहीं करती भाई। इतनी हेल्पफुल पब्लिक है, मतलब वो ऐसा सोचती नहीं। हम लोग सोचते हैं कि चाइना वाले इंडिया से नफरत करते हैं लोग। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, उस बचपड़े में मैं पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आम जनता की, आम पब्लिक की। 20 दिन से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, कब भी हमें कोई इश्यू नहीं आया, जैसे रेसिज्म टाइप का ऐसे कोई इश्यूज हमें फेस करने को नहीं मिले। तो हम बात आते हैं सेंजेन पे। सेंजेन है जो आज से 30-40 साल पहले एक फिशरमैन विलेज हुआ करता था। यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको इतना जबरदस्त तरीके से डेवलप किया है ना, आज देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। आप मैं कोई भी है ना जो कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सेंजेन से बन के गया होगा। ये देखो यहाँ की सड़कें वगैरह क्या बात है। अभी थोड़ा सा सिटी वगैरह भी दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर यहाँ की मार्केट वगैरह भी लेके चलूंगा आप लोगों को। ये देखो यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह। प्रेजेंट डाटा के हिसाब से यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो अराउंड 19 मिलियन, 1,90,00,000। अभी हम लोग यहाँ से कोई मेट्रो लेंगे और मेट्रो लेने के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है ना उनको विजिट करवाने। आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कैसे होते हैं। और ये है सेंजेन की बिल्डिंग्स वगैरह कुछ ऐसी होती है, ये सड़कें वगैरह। वाह 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 वा। दिल खुश हो गया यार देख के सेंजेन को। और यहाँ पे आप लोगों को ये जो गाड़ियाँ वगैरह, कार वगैरह और ये बसें वगैरह दिख रही है ना, सारी की सारी मैक्सिमम जो है ना इलेक्ट्रिक मिलेगी। टोटल इलेक्ट्रिक हो जाएगा चाइना, मतलब पेट्रोलियम जो पदार्थ है ना उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना वो इतना आवाज़ नहीं करते हैं। जैसे ये स्कूटी को अभी कोई आएगा फुर वहाँ तक भगा के ले जाएगा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन मानना पड़ेगा चाइना ने जो तरक्की की है ना पिछले 30 सालों में वो काबिले तारीफ है। लाजवाब तरक्की की है, लाजवाब डेवलपमेंट किया चाइना की गवर्नमेंट ने यहाँ पे। हालांकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ना आप लोगों को पॉलिटिकली फ्रीडम इतना नहीं होता, ठीक है। आपको प्रेस की आज़ादी नहीं होती, ठीक है, काफ़ी कुछ आज़ादी नहीं होती। लेकिन डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज़ को आप नहीं नकार सकते। मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकली फ्रीडम नहीं होता, प्रेस की आज़ादी नहीं होती। जैसे ये पत्रकार वगैरह होते ना, जर्नलिस्ट वगैरह होते ना, उनको उतना फ्रीडम नहीं होता है यहाँ पे। और अभी हम लोग आ गए किसी स्क्वायर पे, ये कोई सर्कल है यहाँ पे। अरे भगने दो, अभी तो रेड बत्ती हो रही है। वो देखो वो सामने जो बस दिख रही है आपको, वो है इलेक्ट्रिक बस। सेंजेन सिटी भी ना भाई बहुत ज़बरदस्त सिटी है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये भाई साहब है जो अंदर वायर डाल रहे हैं। सेंजेन सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है वो आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग शौक रह जाओगे भाई साहब। तो भाई सबसे पहले लेते हैं यहाँ से मेट्रो, और मेट्रो लेने के बाद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो हमारी हॉस्टल से मेट्रो लेते हैं। थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन भी दिखाई देते हैं आप लोगों को यहाँ का। क्या बात है, चाइना के रेलवे स्टेशन पे इतना चीड़।
मैं तो शौक हो गया देख के, इतनी कम भीड़ भाड़ देख के चाइना के मेट्रो स्टेशन पे। देखो कोई नहीं दिख रहा भाई, क्या बात है, कहाँ गए, आज हॉलीडे तो नहीं है चाइना में। ओके गाइज, हम लोगों ने इसमें इंसर्ट किया 10 युआन का नोट, जो टिकट का कॉस्ट है वो है 6 युआन। इसने 4 युआन के कॉइन्स हमें वापस कर दिए और ये रहा हमारा टिकट। यहाँ पे कॉइन डालना है टिकट लेना है तो 1 और 0.5 युआन के, यहाँ पे नोट डालने हैं 5 और 10 युआन के। अब आप लोगों को जो आपका टिकट मिला है उसको करना है यहाँ पे, ये लो, ये गेट खुल गया, सीट मिल गई, सीट मिल गई। ये देखो यहीं से चढ़ी है सारी की सारी भीड़ मेट्रो में। हम लोग पहुंच गए हैं जो का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सेंजेन के, वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वगैरह है, बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, आप लोग भी देख लो, वाह जी वाह क्या ही नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से, है ना। अभी शाम का टाइम हुआ है, लगभग 4:15 बज गए, सामने मुझे KFC भी दिख रहा है, KFC दिखते ही मुझे और ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो अंदर चलते हैं हम लोग और घूमते हैं, तो यहाँ से एंटर होना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। कितनी शॉप है भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये देखो यहाँ पे गोदाम के गोदाम नहीं पैक कर रहे हैं। ये देखो ये जो अपनी मशीनें होती है ना बिल वगैरह करने की, उनका ये है कवर, ये वायर वगैरह। और मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पे ना फीमेल रेशियो ज़्यादा है, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे जो भी वर्कर है ना वो मेनली फीमेल मिलेगी आप लोगों को, मेल कम मिलेंगे फीमेल ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। ये देखो ये जॉइंट वगैरह बोल्ट वगैरह छोटे छोटे आइटम है, ये छोटे छोटे आइटम कहीं ना कहीं हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सेकंड हैंड लैपटॉप वगैरह सब मिल जाएंगे। ये है जो 1600 युआन का है, 1600 युआन लगभग हो गए, ये मान के चलो कि 18,000 इंडियन रुपीज के लगभग सेकंड हैंड है। ये लेनोवो i3 8GB 256GB, दिस इज सेकंड हैंड और न्यू वन सेकेंड हैंड। ओके अभी और भी जैसे जैसे धीरे धीरे घूमते जाएंगे ना वैसे वैसे चीज़ें सामने आती जाएगी और प्राइसेस वगैरह आप लोगों को बताते जाऊंगा मैं। यहाँ पे पूछते देखिए मोहतरमा, हाय तेरा कौन सा मैकबुक, कौन सा मैक 14 प्रो M1 चिप 14 प्रो, हाउ मच दिस वन, प्राइस फॉर दिस वन 5,900 कितना हो गया भाई, लगभग 70,000। दिस इज सेकेंड हैंड और न्यू वन, सेकेंड हैंड और न्यू वन, सेकेंड हैंड। ओके कितने का नया, कितने का ये 5,900 का मतलब ये हो गया लगभग 70,000 का, नया भी दुबई में इतना ही मिल जाएगा भाई, नया इतने का मिल जाएगा। लेकिन मेरा वो 14 इंच में है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव, यू डोंट नो, ही हैड दिस वन ही हैड, ही बॉट न्यू 90,000। हाँ इट्स ओके इट्स ओके, वो समझ नहीं पा रही यार। अभी हम लोग घूम के आए थे जो लैपटॉप वाला सेक्शन था, वो देखो उधर वो है लैपटॉप वाला सेक्शन, दो हुई इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ये बच्चे देखो चिंगू मिंगू ना टैबलेट खोल के बैठे हैं, हाय हाउ आर यू। ये देखो ये सारे के सारे टिंगू मिंगू, ये देखो ये क्या कर रहे हैं भाई, चल नहीं रही क्या, अभी ऑपरेशन करेगा तू देख, वो अभी तोड़ ताड़ के परे करेगा इसको। वो देखो वापस से ठीक करके ले आए इसको। अब जो भी मार्केट है सब में है जो अलग अलग आइटम बिक रहा है यहाँ पे, लेकिन सारे के सारे ना भाई ऐसे मतलब बल्क में बेचते हैं। आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अपने वो LED लाइट वगैरह, सामने LED लाइट वगैरह है ना। अभी हम लोग कम से कम 2-3 इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को घूम चुके, वहाँ पे सभी जगह वही था, मतलब थोक के मतलब होलसेल में बेचते थे, बल्क में बेचते थे। वो देखो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, सारी की सारी बिल्डिंग्स में ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लगे हुए हैं। ये देखो गाइस अब आए हम लोग काम के मार्केट में, जो आप लोगों के काम की चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे मिलेगी। ये देखो मोबाइल होल्डर वगैरह हो गया, ये वॉच हो गई, यहाँ पे एप्पल वगैरह की सारी ना सेकंड कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी। और ये वायर वगैरह देखो, ये वायर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देखो आप लोग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट कितने लंबे लंबे, एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट से आपके सारे मोबाइल चार्ज हो जाएंगे। मतलब हाउ मच 10 युआन भाई, 10 युआन का लगभग 115 रुपये के लगभग। यहाँ पे देखो ये कैमरा वगैरह सब मिल जाएंगे, क्या बात है,
भाई ये कौन सा, ये वो है क्या इंस्टा कैमरा भाई, वो क्यूट सा कैमरा है। ये कौन सा कैमरा है? 4K अल्ट्रा HD और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। देखो क्वालिटी काफी अच्छी है इस कैमरे की। ये मैं अपना फेस भी देख पा रहा हूँ अच्छा खासा। और ये कैलाश है मेरे क्या काम आता है भाई ये? ये घर में सिक्योरिटी कैमरे की तरह आप लोग रख सकते हो। 180 डिग्री एंगल देता है। अच्छा प्राइस 200 मतलब ये है 2500 का। 2500 के अलावा इंस्टा 180, ये 180 कैमरा मिलेगा। आप लोग घर में अपने सिक्योरिटी पर्पस से आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो ठीक है यार, ज्यादा महंगा नहीं है। 2500 का मुझे कॉस्टली लग रहा है। 2500 का कोई खास ज्यादा महंगा नहीं है। आप लोग अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। यहाँ पे ये स्पीकर है, ये बोलने का हो गया। हेलो हेलो हेलो। और ये स्पीकर में आवाज आएगी। ये बच्चों के काम का बहुत अच्छा है, पता है? बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ये वाला स्पीकर बहुत अच्छा है। ये है काम का मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, यहाँ पे अपने काम के हैं। यहाँ पे देखो छोटे छोटे कैमरा मिल जाएंगे। देखो कितना प्यारा सा कैमरा है ना, छोटा सा बच्चों के लिए। यहाँ से केबल वगैरह सारे वायर वगैरह, लेकिन ये है वायर वगैरह सस्ते ही मिल जाएंगे आप लोगों को। ये भी यहाँ पे देखो, ये मोहतरमा के पास ना एप्पल की फर्स्ट कॉपी मिलेगी सारी की सारी वॉच। 239 युआन हो गया लगभग। ये बोल रही है एप्पल की फर्स्ट कॉपी है, लेकिन एप्पल की कॉपी लग नहीं रहा। हाय, ये एप्पल की फर्स्ट कॉपी है। हाउ आर यू? गुड। ये 360 कैमरा, देखिए 360 कैमरा है ना, कहीं भी रख दो आप लोग। उसका प्राइस पूछ रहा हूँ कितना है, 2800 इंडियन रुपीज के लगभग इसका प्राइस बता रहे हैं। पता है मुझे इनके पंखे बहुत मस्त लगते हैं भाई। ये वाले जो पंखे होते हैं ना, ये पूरे चाइना में बहुत फेमस है। छोटे छोटे पंखे हैं सब जगह, हर कोई यहाँ पे छोटे छोटे फैन वगैरह लेके घूमता रहता है। कहीं भी जाएंगे आप लोगों को ना यहाँ पे एक से बढ़ के एक यूनिक चीजें देखने को मिल जाएगी, जो अपने इंडिया वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी। मसाज करने के लिए आपके बॉडी पेन हो रहा हो तो आप लोग मसाज कर सकते हैं। हेलो, हाउ मच फॉर दिस वन? 120। यार इट्स एक्सपेंसिव। मैं इसको बोल रहा हूँ उसके लिए 60 के लिए बोल रहा हूँ। देखिए 60 यहाँ मानती है क्या? नो। हाउ मच? 100 युआन लगभग 1150 रुपए के लगभग ये कैमरा का प्राइस है। ऑन ऑन ऑन। ओके ये लो जी, फोटो क्लिक हो गई। अच्छा फ्रंट और बैक, ये देखो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों मिल जाएंगे। ये लो, ये हमारी फोटो क्लिक हो गई। इसमें 100 युआन मांग रही है यार। 100 युआन का तो बहुत महंगा हो गया यार। मैं इसको बोलता हूँ देखिए 50 युआन में मुझे। ये है ड्रोन, आप लोग यहाँ से ड्रोन भी ले सकते हैं। ये हल्के हल्के छोटे छोटे ड्रोन है। ये देखो 398 यहाँ पे इन लोगों ने इनका प्राइस लिख रखा है। 168 युआन हो गया लगभग 1800 इंडियन रुपीज़ के लगभग, लगभग 4500 के लगभग 398 युआन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक जो भी छोटे से बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, सारे के सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। 60-65 युआन का दिए, 60-65 रुपए के आसपास। हाउ मच? 5 युआन भाई, 5 युआन का दे रही है तो एक ले ही लेते हैं यार। तो 5 युआन में क्या ही बुरा है यार, 60 मतलब 57-58 रुपीज में कोई बुरा नहीं है। नेक बैंड आते हैं ना गर्दन के लिए, फ्लाइट वगैरह में यूज करने के लिए आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। और ये मसाज वगैरह के लिए आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। और ये वाली जो स्लीपर है ना भाई, ये तो गजब ही कर दिया चाइना ने। ये पैरों का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए ये वाली स्लीपर्स बनाई गई इन लोगों ने। व्हाट इज दिस? आई मसाजी, नेक मसाजी, पैक मसाजी। दिस यू कैन पुट दिस इन योर आईज एंड ओके ओके ओके। आई मसाज ये है जी यहाँ पे, आई मसाज के लिए। आई आई एंड हेड ओके। How much? 429 भाई ये ना आई मसाजर है, तो आई मसाजर ना ये लगभग 5000 रुपए का एक आई मसाजर मिलेगा। वो लड़की जैसे पहन के बैठी है ना, वैसे पहन के बैठना होता है आपका आई मसाज। और यहाँ से हेड मसाज, आई मसाज और हेड मसाज होता है, उससे काफी रिलीफ मिलता है। तो काफी यूनिक यूनिक चीजें देखने को मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे चाइना की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। वो देखो अभी उसने वो यूज कर रहा था। हाय हाउ आर यू, कैन यू शो लाइक दिस? देखो अभी ये मोहतरमा इसको यूज कर रही थी। डू यू फील कंफर्टेबल? दिस इज कंफर्टेबल? नो इंग्लिश?
मोहतरमा इंग्लिश नहीं जानती है, लेकिन अभी ये पहन के बैठी थी ना, मैंने दिखाई थी आप लोगों को। गाइज आप लोगों को कुछ और यूनिक यूनिक चीजें दिखाने वाला हूँ मैं। देखो अभी एक चीज दिखाने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम। प्राइस पूछ के बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रम का प्राइस कितना है। अपने आप लग रहा है भाई, 580 yuan। It's too expensive. It's too expensive. Last price, last. ये वाला सस्ता है यार। वाह यार। भाई क्या ही चीज है ये, देखो बस हल्का सा वो है, बस रबर टाइप का है, और आप लोग इसको बजाओ, देखो भाई मजा आ जाएगा। मजा आया बजाने में। वाह जी वाह, ये वाली चीज मस्त लगी मेरे को। इससे प्राइस पूछते हैं, देखो ये है 298 yuan का, मतलब ये हो गया लगभग 3,500 rupees के लगभग। ये वाला बसता है, मजा आता है। दिस वन हैज स्टीरियो फॉर यू एंड साउंड क्वालिटी इज बेटर देन दिस वन। दिस वन इज गुड, दिस वन इज गुड। ये देखो यहाँ पे ड्रोन वगैरह, ड्रोन का कैमरा देखो, यहाँ पे मुंडी बना रखी है, मुंडी के ऊपर कैमरा ऊपर लगा रखा है। ये देखो शायद से ये वाले ड्रोन ना आने वाले टाइम में सामान सप्लाई के लिए काम में आएंगे। ये देखो DJI का ड्रोन है। फाइनली हम लोग आ गए जो DJI का शोरूम है ना, वहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रेवलर्स हैं वो DJI के ड्रोन यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ DJI का प्राइस। DJI मिनी 3 या मिनी 3, ये रहा भाई DJI मिनी 3। ये मैंने लिया था 3 Pro, वहाँ पे मतलब दुबई से लिया था मैंने 90,000 का, जो उज्बेकिस्तान में मेरे से सीज कर लिया गया था, क्योंकि उज्बेकिस्तान में है ना ड्रोन बैन है। हाउ मच इज कॉस्ट विद स्क्रीन? टेल मी बोथ ऑफ न्यू वन और ओल्ड वन। मोर बैटरी विद कॉम्बो, हाउ मेनी बैटरीज? टू बैटरीज राइट? 700 विद कॉम्बो ये मिलेगा आपको 6,700 लगभग 78,000 Indian rupees का मिलेगा। तो महंगा मतलब है दुबई में है जो ये 90,000 का था, तो वहाँ से 12,000 सस्ता पड़ रहा है यहाँ पे। ओल्ड DJI मिनी 3 प्रो है वो है 66,000 Indian rupees का, और न्यू DJI मिनी 3 प्रो है वो है विद कॉम्बो 78,000 Indian rupees का। तो लगभग 12,000 का डिफरेंस आने वाला है नए और पुराने में। तो आप लोग देख लेना कौन सा लेना है। हाय नो पियानो, ओ दिस इज पियानो, ये मोहतरमा पियानो बेच रही है यहाँ पे। हाउ मच कॉस्ट पियानो कॉस्ट? 368 एक पियानो का कॉस्ट है। पियानो भी देखो ये प्लास्टिक टाइप का है, आप कहीं भी समेट के ले जाओ, पियानो बजाओ मस्त मजे से, पार्टी शार्टी करो। पियानो का कॉस्ट 368 yuan है, 368 yuan का लगभग हो गया 4,500 Indian rupees के लगभग। लास्ट फाइनल प्राइस, वॉट इज लास्ट फाइनल प्राइस? मोहतरमा ट्रांसलेटर यूज कर रही है। ओके यदि मैं एक परचेज करता हूँ तो ये 300 yuan का देगी, 300 yuan हो गया लगभग 3,500 Indian rupees के लगभग 300 yuan यदि आप पियानो एक पियानो परचेज करते हैं तो। लेकिन चीजें बड़ी मस्त मस्त यूनिक यूनिक चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पे यार। और ये वाला तो पूरा सेगमेंट ही भाई ड्रोन का है। ये देखो यहाँ पे नए ड्रोन मिलेंगे सारे के सारे। दुनिया में सबसे सस्ता ड्रोन आप लोगों को चाइना में मिलने वाला है। ये देखो ये भाई साहब है जो ड्रोन उड़ा रहे हैं यहाँ पे। तो यार मेरा ना यहाँ से एक ये मसाजर लेने का प्लान तो बन रहा है, अब एक बार प्राइस पता करता हूँ। देखिए प्राइस कितना देते हैं, हाउ मच फॉर दिस वन? भाई 149 लगभग हो गए, 1600-1700। लास्ट हाउ मच? फाइनल प्राइस ओनली वन पीस यस। गिव मी लिटिल बिट डिस्काउंट। 140 वाह अच्छा यार मस्त है भाई। फाइनली मसाजर ले लिया है यहाँ से, जो कि 130 yuan का, 130 yuan मतलब 1500 Indian rupees। ये इधर बच्चों की गाड़ियाँ, क्या बात है,
जेसीबी वगैरह, बुलडोजर वगैरह, ठीक है, सारी की सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी आप लोगों को। और क्या ही चाहिए बताओ बच्चों के लिए। वो उधर है जो सामान ढोने के लिए, कचरा पट्टी सब ढोने के लिए गाड़ियाँ बना रखी है इन लोगों ने बच्चों के लिए। ये इनके रिमोट वगैरह वाला सेगमेंट ना मेरे को मस्त लगा यार, क्या बात है। ये भी इधर है जो सारे के सारे बच्चों के लिए है। रेलवे ट्रैक भी बना रखा है इन लोगों ने, ट्रैक वगैरह सब बना रखा है इन लोगों ने। ये देखो गाइज, यहाँ पे जो यूनिवर्सल अडेप्टर है ना, क्या जबरदस्त स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल अडेप्टर है। मैंने आज तक मेरी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल अडेप्टर नहीं देखा। मतलब अमेजोन वगैरह पे मिलते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिलते अपने इंडिया में, पता नहीं बहुत ही हल्के मिलते हैं। मैं केवल मैं टच कर रहा हूँ ना, मैं फील कर सकता हूँ कितना स्ट्रॉन्ग है। गाइज आप लोगों को देखो यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे बहुत ही क्यूट क्यूट कैमरे मिल जाएंगे। ये मोहतरमा दिख रही है ना, ये कैमरा क्वालिटी तो ठीक है, ठीक है कैमरा क्वालिटी तो। और देखो फ्रंट कैमरा आप लोगों को करना है, ये क्या हो गई यार, ये कलर चेंज फिल्टर देने के लिए। अच्छा, फिल्टर भी है इसमें यार, फिल्टर देने के लिए। अच्छा और तेरी तो ये तो अलग अलग एंगल से शूट करा है। अच्छा 95 मांग रही है, अब देखता हूँ मैं 70 तक, 70 में ही लूंगा। ओके 70 फाइनल, 70 यहाँ में फाइनल मोहतरमा मान गई है। कलर ये क्रीम कलर ज्यादा अच्छा ये ना, हाँ ये वाला कलर मुझे ठीक लग रहा है, तो ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ। चार्जेबल है, इसमें बैटरी वगैरह नहीं डालनी है। इतनी चीजें ले ली मैंने, फाइनली मैं एक फैन और लेने की सोच रहा हूँ। चालू कर लो, बढ़िया, कहीं भी गर्मी में जाते हो ना, बहुत मस्त चीज है, एकदम जबरदस्त वाली चीज है, क्या ही कहना। ठीक है यार 25 मांगा, 15 में नहीं मानी तो मैं 20 दे देता हूँ। गाइस हम लोग अभी यहाँ पे जो मोबाइल होल्डर है ना वो परचेज करने आए थे, 70 युआन का दे रहे हैं। 70 युआन मतलब हो गया लगभग 800 इंडियन रुपीस के लगभग दे रहे हैं हमें, तो ठीक है यार, कोई खास ज्यादा महंगा नहीं है। 800 इंडियन रुपीस में ब्लूटूथ वाला है, वाह काफी बड़ा स्टैंड है यार ये। आप लोगों को यदि दूर से भी अपने आप को रिकॉर्ड करना है ना, तो आप लोग दूर से भी अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा व्हाट इज दिस, म्यूजिक, ओके। मैं इतनी देर से भाई इसको देख देख के कंफ्यूज था कि ये है क्या। हाउ मच, 688 भाई, मतलब ये हो गया यार कितना, 8000 के लगभग, 8000 का म्यूजिक दे रही है मोहतरमा। गाइस आप लोगों को आज एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाने जा रहा हूँ, ये है एयर व्हील रोबोट। ये उस काम में आता है, आप लोग कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, ये छोटे आप लोगों को दिखने से गाड़ी लग रहा है, लेकिन ये गाड़ी नहीं है, व्हीकल नहीं है, ये है बैग। आप लोग इसमें अपना सामान रखो, ठीक है, इसको बंद कर दो, ये बंद हो गया, ठीक है। आप लोगों को इसको अंदर करना है, ये भी पहिए दिख रहे हैं, अंदर करना है, ये देखो बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अब इसको बाहर निकालना है, ये बाहर निकल गया। अब आप इसको एज ए व्हीकल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप लोग एयरपोर्ट पे हो, मतलब आप लोगों को पैदल चलने में जोर आ रहा है, तो आप इसको एज ए व्हीकल यूज कर सकते हो। बैठ गए, यहाँ पे इसमें कुछ स्विच दिए गए हैं, ये वाला स्विच है आगे ले जाने के लिए, दोनों स्विच दबाओगे पीछे चला जाएगा, और एक स्विच है वो है स्टॉप करने के लिए। सही है, सीसे, ओके बाय बाय, सी यू सी यू। ये वाले भाई साहब थे, मैं काफ़ी देर से इन भाई साहब की शॉप पे यहाँ पे बैठा बैठा अपना टाइम पास कर रहा था। देखो यहाँ पे और भी सारे, मतलब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह मिल जाते हैं यार, बहुत ही यूनिक यूनिक। ये देखो ये आप लोग मतलब पानी में रिकॉर्ड करने के लिए है ये सब। ये देखो ये है पूरा का पूरा कैनन सोनी निकोन की शॉप, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही भारी भारी कैमरा वगैरह उनके लेंसेज वगैरह सब मिल जाएंगे। हेलो हाउ आर यू, फाइन आई एम गुड, बाय बाय सी यू। ये क्या बना दिया भाई इन लोगों ने, क्या पूरी खोपड़ी पे लगाना है या कान पे लगाना है इसको यार। 100 पीस है, मजाक कर रहा हूँ, 100 पीस है। पूरे के पूरे 2.5 से 3 घंटे मार्केट में घूमने के बाद हम लोग आ गए बाहर, जो सेंजन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थे। यहाँ पे एक ही मार्केट नहीं, बहुत सारी मार्केट है। ये देखो अभी टाइम हो गया शाम का, लगभग 7:15-7:30 बज गया, लेकिन मार्केट को घूमने में जो मजा आया ना, बहुत यूनिक यूनिक चीजें देखने को मिली है मुझे आज मार्केट में।
सही बता रहा हूँ, अपने इंडिया में वो चीज़ें बहुत ही रेयर देखने को मिलेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को इस सेंजन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में देखने को मिलेगी। और एक मार्केट ये था जिसको जस्ट हम लोग अभी घूम के बाहर आए हैं। यहाँ मैंने नोटिस किया है कि जो चीज़ अपने इंडिया में लगभग 1000 रुपये की मिलती है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे 100 रुपये में मिल जाएगी। यदि आप लोग कोई बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो आप लोग चाइना में अपने लिंक्स बना सकते हैं, यहाँ से अपना सामान इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं इंडिया में। सही बता रहा हूँ, बहुत सस्ता है। अब वो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वो कितना लगती है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह के बारे में, वो तो आप लोगों को खुद को पता करना पड़ेगा। काफ़ी यूनिक यूनिक चीज़ें मैंने भी 2-3 चीज़ें परचेज की है यहाँ से। और ये देखो अभी यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी हो गई है यार, क्या बात है, यहाँ तो रौनक ही बदल गई यार। दिन में तो इतनी गर्मी थी यहाँ पे, दिन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, अब तो शाम को यहाँ की रौनक ही अलग हो गई। ये देखो सड़कें वगैरह वो सारे के सारे उधर है ना, देखो हुवेई के मार्केट है, MI के मार्केट है, सारा का सारे बिल्डिंग्स वगैरह देखो सेंजेन की, शाम की तो रंगत ही अलग है यहाँ पे यार। चाइना ने जो पिछले 30 सालों में जो डेवलपमेंट किया है ना, जो प्रोग्रेस की है ना, काबिले तारीफ है, बहुत ही काबिले तारीफ है। तो गाइज ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं आप लोगों को सेंजेन मार्केट दिखाऊं, तो फाइनली मैंने आप लोगों को सेंजेन का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो दिखाया, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है, चाइना का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सेंजेन में। तो अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों की क्या राय है चाइनीज आइटम, चाइनीज प्रोडक्ट और सेंजेन के बारे में।